और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आज के शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधामोहन सिंह जी, काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था, इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी, एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप, एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम
प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशीहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा, उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशीहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी, मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चिरपरिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग, इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझेदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। साथियों, भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास
हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष प्रक्षकाः, मम आज्ञया महासेन सर्वेषां हित काम्या, अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। साथियों, बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी हैं, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है। इसी तरह पिछले 6-7 सालों में बनारस के हैंडीक्राफ्ट और शिल्प को भी प्रमोट करने, मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है। इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है।
यहां व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है, रुद्राक्ष इन गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है, काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। अब ये काशीवासियों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह भी करता हूं कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। काशी के सांस्कृतिक सौंदर्य को, काशी की प्रतिभाओं को इस सेंटर से जोड़ना है। आप जब इस दिशा में काम करेंगे तो आप काशी के साथ पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे। जैसे जैसे ये सेंटर सक्रिय होगा, इसके जरिए भारत जापान के रिश्तों में, उस रिश्तों को भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, महादेव के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में ये सेंटर काशी की एक नई पहचान बनेगा, काशी के विकास को नई गति देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं फिर एक बार जापान सरकार का, जापान के प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और बाबा को यही प्रार्थना करता हूं, आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सजग रखें और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करने की आदत बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद।